ऑलराइट, वेलकम बैक गाइस। तो बहुत ही वीडियोस में आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स मिले, और उसमें से जो कमेंट थी उसका जो सबसे ज़्यादा था वो था सैमसंग और क्वालकॉम दोनों ही प्रोसेसर जो अपने बनाते हैं तगड़े, उन सब के बीच में करना एक ज़बरदस्त कंपटीशन। तो यहाँ पे जाइनोस 9611 है मेरे पास, और दूसरी तरफ है स्नैपड्रैगन 720G जो कि एक गेमिंग प्रोसेसर है। तो आज हम करने वाले हैं इन दोनों में कंपैरिजन और पता करेंगे कौन सा है बेस्ट। तो गाइज वीडियो पूरा देखना, और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और आपको भी पता चल जाएगा कौन सा है बेस्ट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कौन सा लेटेस्ट है। तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन जो 720G है वो ज़्यादा लेटेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो स्नैपड्रैगन 9611 है जाइनोस का वो आपको सितंबर 2019 तक यहाँ पे देखने को मिलता है, पर जो 720G है वो जनवरी 2021 देखने को मिलेगा, यानी वो ज़्यादा लेटेस्ट है कई महीनों से। तो यहाँ पे लेटेस्टनेस के मामले में 720G ज़्यादा लेटेस्ट है। तो इसी के साथ यहाँ पे जो दोनों प्रोसेसर है वो किस में सबसे ज़्यादा क्लास देखा जाता है, तो ये देखा जाता है मिड रेंज के। यहाँ पे जो भी लो बजट फ़ोन होता है और जो फ्लैगशिप फ़ोन होते हैं उन दोनों के बीच में जो रेंज बजट में आता है उनके बीच में आता है, जो कि 15,000 से 30,000 के बीच में ये रेंज काफ़ी हद तक ऊपर नीचे होता है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ये फ़ोन्स। तो अभी बात करेंगे ये जो प्रोसेसर है इनके कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में, और सबसे पहले शुरुआत करेंगे सीपीयू से। और सीपीयू में सबसे पहले हम बात करेंगे आर्किटेक्चर की। तो आर्किटेक्चर यहाँ पे दोनों में सेम देखने को मिलता है थोड़ा डिफरेंस के साथ, क्योंकि यहाँ पे आपको 4:4 देखने को मिलेगा 9611 में, और वहीं पर 2:6 देखने को मिलेगा 720G में। तो यहाँ पे जो अगर 9611 है उसमें आपको मिलता है 4x 2.3 GHz कॉर्टेक्स A73 के साथ, जो कि काफ़ी बढ़िया है, और वहीं पर जो 4x देखने को मिलेगा 1.7 GHz कॉर्टेक्स A53। तो यहाँ पे ये दोनों एफिशिएंसी और यहाँ पे परफॉर्मेंस के लिए दिया गया है। और वहीं पर जो 720G है वो आपको देखने को 2x 2.3 GHz क्रायो 465 गोल्ड कॉर्टेक्स A76 के साथ, तो ये थोड़ा सा लेटेस्ट है इस चीज़ से और ज़्यादा एफिशिएंटली काम करता है। पर यहाँ पे इसके 2 होने की वजह से ये डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी हद तक ये ज़्यादा बेटर परफॉर्म देता है। तो वहीं पर अगर बात करें दूसरे की, तो 6x 1.8 GHz देखने को मिलता है, वो भी क्रायो 465 सिल्वर के साथ, जो कि कॉर्टेक्स A55 देता है, जो कि ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देगा आपको। और क्योंकि यहाँ पे 1.8 GHz दिया गया है वो भी 6 कोर्स के साथ, तो ये ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस भी देता है। और वहीं पर अगर बात करें कोर्स की, तो जाहिर सी बात है इसमें दोनों ही ऑक्टा कोर्स देखने को मिलता है। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी दोनों में सेम है, 2300 का मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी के साथ, तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। और अभी फैब्रिकेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, और ये आपको सबसे कम जो कि डिस्टेंस आपका मिलता है, यानी यहाँ पे आपको जो 9611 है उसमें 10 नैनोमीटर्स देखने को मिलता है, वहीं पर 720G में 8 नैनोमीटर्स देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जितना कम होता है उतना बेहतर है, तो यहाँ पे 720G में 8 नैनोमीटर्स का आपको देखने को मिलता है। अभी यहाँ पे इसके साथ साथ आपको TDP के बारे में भी बताता हूँ मैं। तो यहाँ पे आपको जो 9611 है जाइनोस का उसमें आपको 8 वाट तक का देखने को मिलता है TDP, यानी थर्मल डिज़ाइन पावर या फिर पॉइंट कह सकते हो, और जो 720G उसको 5 वाट तक देखने को मिलता है, यानी यहाँ पे जो फैब्रिकेशन प्रोसेस है और जो कि TDP है दोनों ही कम है, तो ये ज़्यादा अच्छे से एफिशिएंटली वर्क करेगा और आपका जो चिपसेट है वो बहुत ही बेहतर बना देगा आपकी CPU के मामले में इस चीज़ को लेकर। अभी बात करते हैं इसके GPU ग्राफिक्स को लेकर। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे जो जाइनोस 9611 है उसमें Mali-G 72 MP3 का यहाँ पे ग्राफिक्स देखने को मिलता है, वहीं पर जो 720G है उसमें Adreno 618 का देखने को मिलता है। वहीं पर अगर आर्किटेक्चर की बात करूँ तो यहाँ पे 9611 में Bifrost देखने को मिलता है, और 720G यहाँ पे Adreno 600 देखने को मिलता है। ये नेमिंग है आर्किटेक्चर का, और यहाँ पे ये जो Adreno 600 है ज़्यादातर Qualcomm में इस्तेमाल होता है। अभी GPU की यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो जाइनोस 9611 है वो आपको 850 मेगाहर्ट्ज़ देता है, और ये ज़्यादा है 720 से, क्योंकि 720 में आपको 750 मेगाहर्ट्ज़ देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है ग्राफिक्स के मामले में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा अच्छा बेटर परफॉर्म करेगा जाइनोस 9611। लेकिन यहाँ पे 2 ऐसे पॉइंट्स भी है जिनको मैं ज़्यादातर वीडियोज़ में इंक्लूड नहीं करता, लेकिन काफ़ी सारे बड़े डिफरेंस और गैप की वजह से यहाँ पे मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूँ, और ये है शेडिंग यूनिट। तो यहाँ पे जो 9611 है उसमें आपको 48 देखने को मिलता है शेडिंग यूनिट, लेकिन जो 720G है उसमें आपको 128 देखने को मिलता है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा है यहाँ पे जाइनोस 9611 से। और वहीं पर अगर मैं बात करूँ एक और पॉइंट की, तो आपको फ्लॉप्स देखने को मिलता है। तो फ्लॉप्स यहाँ पे आपको 9611 में 259 GFLOPS देखने को मिलता है, और वहीं पर जो 720G है उसमें आपको 435 GFLOPS देखने को मिलता है, जो कि ज़्यादा है। तो ये मैंने इसीलिए बताया क्योंकि यहाँ पे GPU के मामले में कौन ज़्यादा बेटर है ये इन दोनों चीज़ों से भी पता कर सकते हो। तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलता है जाइनोस 9611 को और 2 पॉइंट्स मिलते हैं 720G को, तो ये बेटर परफॉर्मेंस देगा 720G, वैसे ये इक्वल भी हो सकता है।
अभी बात करेंगे इसके मेमोरी के बारे में जो कि स्टोरेज भी है, और वहीं पर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले मेमोरी टाइप की, तो दोनों में सेम है, LPDDR4X देखने को मिलता है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। और मेमोरी फ्रीक्वेंसी के बारे में बताऊँ तो यहाँ पे आपको जो Zynos 9611 है उसमें आपको 1600 MHz का फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे 720G में 1866 देखने को मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे मेमोरी ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे परफॉर्मेंस देता है आपको। वहीं पर बस के बारे में बताऊँ तो यहाँ पे 2x16 bits देखने को मिलता है, दोनों में ही कोई डिफरेंस नहीं है। और मैक्सिमम बैंडविड्थ की बात करूँ तो ये यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलता है, यहाँ पे 11.9 GB/s देखने को मिलेगा 9611 में, और वहीं पर 720G में यहाँ पे 13.91 देखने को मिलता है GB, यहाँ तो यहाँ पे बैटरी यहाँ पे 720G ही है, तो मेमोरी में मैक्सिमम बैंडविड्थ और फ्रीक्वेंसी की वजह से 1.2 पॉइंट ज़्यादा मिल जाएगा 720G को। और अगर रैम की बात करूँ तो रैम में यहाँ पे आपको दोनों में ही सेम देखने को मिलता है, 8 GB तक का रैम मैक्सिमम आपको देखने को मिल सकता है। गाइज अभी हम लोग बात करेंगे इसके मल्टीमीडिया डिस्प्ले ISP और वगैरह के बारे में, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके स्टोरेज टाइप की, तो आपको 9611 में यहाँ पे eMMC 5.1 देखने को मिलता है, एडिशनली UFC 2.1 भी देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आपको एडिशनल सपोर्ट भी है, और 720G में आपको सिर्फ USB 2.1 देता है, तो यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, पर यहाँ पे अच्छे खासे तरीके से आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे अभी बताऊंगा मैं डिस्प्ले रिजोल्यूशन की, तो मैक्सिमम कितना एक ये जो डिस्प्ले रिजोल्यूशन देता है तो वो है Zynos 9611 में 2560x1600 का, और वहीं पर 720G यहाँ पे देता है 2520x1080 के साथ, तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस और ज़्यादा यहाँ पे पिक्सल्स आपको देखने को मिलेंगे, ज़्यादा आपको यहाँ पे रिजोल्यूशन देखने को मिलेंगे 9611 में सैमसंग के इसमें, तो ये आपको एक अच्छे यहाँ पे रिजोल्यूशन दे सकता है। अभी बात करेंगे इसके कैमरा रिजोल्यूशन की, तो मैक्सिमम एक कैमरा कितना रिजोल्यूशन आपको क्लिक करके आपको दे सकता है, तो यहाँ पे आपको 9611 में देखने को मिलता है सिंगल कैमरा 64 MP का, और डुअल कैमरा आपको 16 MP तक का देखने को मिलता है। वहीं पर जो 720G प्रोसेसर है वो आपको देखने को मिलेगा 192 MP का सिंगल कैमरा है, और डुअल मेगापिक्सल आपको देखने को मिलता है 22 MP का, तो यहाँ पर अच्छी खासी तौर पर यहाँ पर इस चीज़ को दिखाया। लेकिन अभी बात करेंगे वीडियो कैप्चर की, तो यहाँ पे वीडियो कैप्चर आपको 4K 120 FPS देखने को मिलता है 9611 में, तो Zynos ने इसमें यहाँ पे सैमसंग में बहुत अच्छा काम किया है। पर यहाँ पे क्वालकम की बात कर जो स्नैपड्रैगन 720G का है तो 4K 30 FPS देखने को मिलता है, तो यहाँ पे अगर आप लोग 4K तक नहीं जाते हो तो 2K या फिर 1080p तक जाते हो तो यहाँ पे आपको सफिशियंट तौर पे सेम देखने को मिलेगा, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। वहीं पर अगर वीडियो प्लेबैक की बात करूँ तो इसमें भी सेम देखने को मिलेगा 4K 120 FPS Zynos 9611 में, और 720G में यहाँ पे आपको 4K 30 FPS देखने को मिलता है। गाइज अभी बात करेंगे इसके कनेक्टिविटी की, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर दूँ मॉडेम की, तो मॉडेम में यहाँ पे 9611 में मिलता है Xenon 337, और वहीं पर आपको मिलता है X15 यहाँ पे 720G में, मॉडेम आपको देख चुका हूँ X15 मिल चुका है। अभी बात करेंगे इसके 4G सपोर्ट की, तो 4G सपोर्ट में जो 9611 है वो आपको LTCAT 12 का सपोर्ट देता है, और वहाँ पे 720G आपको LTCAT 15 का सपोर्ट देता है, जो कि काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देगा। वहीं पर 5G दोनों में ही सपोर्ट फ़िलहाल नहीं करता। और अभी बात करेंगे इसके डाउनलोड स्पीड की, तो डाउनलोड स्पीड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कनेक्टिविटी को लेकर, और वहीं पर आपको जो 9611 है उसमें 600 MBPS देखने को मिलता है, और वहीं पर जो 720G है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा 200, क्योंकि यहाँ पे 800 MBPS देखने को मिलता है, तो डाउनलोड स्पीड ज़्यादा अच्छा आपको 720G में देगा। पर अपलोड स्पीड की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको अप टू 150 MBPS देखने को मिलता है, और दोनों में ही सेम देखने को मिलता है, ज़्यादातर जो भी प्रोसेसर है उसमें इतना ही देखने को मिलता है 150 MBPS, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। वही पर वाईफाई और ब्लूटूथ की भी बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको जो Zynos 9611 है रेगुलर 5 देखने को मिलता है वाईफाई, लेकिन 720G में आपको 6 वाईफाई देखने को मिलता है, 6 का सपोर्ट मिलता है आपको, और ब्लूटूथ भी वहीं पर एडवांस है, क्योंकि 5 देखने को मिलेगा 9611 में, और 720G में आपको 5.1 देखने का सपोर्ट मिलता है ब्लूटूथ का। और सिर्फ यही नहीं गाइस, अब तक मैंने आपको CPU GPU के बारे में बताया और काफ़ी सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन जो 720G है ये प्रोसेसर ज़्यादातर स्पेशली गेमिंग के लिए यूज़ होता है, और गेमिंग के नाम से ये चिपसेट बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वहीं पर हम लोग अभी करने वाले हैं गेमिंग टेस्ट, यानी गेमिंग में कौन सा ज़्यादा बेटर है उसको बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर 9611 की बात करूँ और 720G की बात करूँ, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पबजी मोबाइल की, तो पबजी यानी BGMI एक ही बात है, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 31 FPS मिलने वाला है हाई पर 9611, और वो 720G है यहाँ पे 43 FPS देखने को मिलता है हाई के साथ, तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा आपको 720G आपको एक्सपीरियंस करवाएगा। वहीं पर कॉल ऑफ ड्यूटी की बात करूँ तो कॉल ऑफ ड्यूटी में यहाँ पे आपको 9611 40 FPS देता है मीडियम के साथ, लेकिन जो 720G है वो आपको 40 FPS देता है अल्ट्रा
एलिट्रा के साथ, तो ज़्यादा अच्छा स्मूथ आपका एक्सपीरियंस कॉल ऑफ ड्यूटी में 720G देने वाला है। तो यही पर यहाँ पे दोनों चीज़ें, ये काफ़ी अच्छी तरीके से मोबाइल BGMI कॉल ऑफ ड्यूटी देता है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें बैंक वर्ल्ड ऑफ टैंक्स ब्लेड्स की, तो 43 FPS वर्सेस 51 FPS अल्ट्रा देखने को मिलता है। और मोबाइल लेजेंड्स भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, स्लाइटली जाइनोस देता है अच्छा 38 FPS के साथ हाई में, और 720G 30 FPS देता है हाई पे। वैसे ये गेम ज़्यादातर कोई खेलता नहीं तो इसको इंक्लूड नहीं भी क्या चलेगा। अभी बात करते हैं कौन से ऐसे डिवाइसेज है जिस फोन्स में ये जो चिपसेट है वो यूज़ होता है। तो यहाँ पे जो सैमसंग गैलेक्सी A51 में सपोर्ट करता है आपको 9611, और वहीं पर आपको 720G देखने को मिलेगा रियलमी 7 प्रो के साथ। गाइस अगर आप लोगों को चाहिए इन मोबाइल फ़ोन्स का कंपैरिजन, तो वो भी मैं बहुत जल्द लाने वाला हूँ, और उसके लिए आपको बस करना है चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे, ताकि आप तक मेरे वीडियोज़ बहुत जल्द पहुँच सके। अभी फाइनल चीज़ के ऊपर हम लोग पहुंचने वाले हैं, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बेंचमार्क स्कोर्स, जहाँ पे N22 और Geekbench के बारे में बताऊंगा। तो N22 को स्कोर्स अगर बात करूँ तो यहाँ पे Zynos 9611 को मिलता है 231,086 का यहाँ पे पॉइंट्स मिलते हैं, पर वहीं पर स्नैपड्रैगन 720G को 338,277 देखने को मिलता है, जो कि ज़्यादा है 46% से ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे N22 बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करता है 720G। Geekbench स्कोर्स की बात करें तो यहाँ पे सिंगल कोर मल्टी कोर दोनों ही को हम लोग लेंगे, तो यहाँ पे Zynos 9611 देता है 328 पॉइंट्स के साथ, और 720G यहाँ पे आपको 572 पॉइंट्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पे 74% ज़्यादा है 720G के पास, और वहीं पर 9611 सिर्फ कम में ही सिमट जाता है। लेकिन मल्टी कोर की बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 1211 के साथ Zynos 9611, और वहीं पर 1701 देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन 720G में। तो यहाँ पे जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं उस सब में 720G ने बहुत ज़्यादा और बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। तो गाइस यहाँ पे सिर्फ इतना ही नहीं, 720G के बारे में मैं और भी ज़्यादा बता सकता हूँ, पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी न हो जाए इसलिए मैंने शॉर्ट में बताया। लेकिन यहीं पर आपको डिटेल स्पेसिफिकेशन चाहिए तो आप 720G के एक इंडिविजुअल और सिंगल वीडियो मैं बनाऊंगा, और वो वीडियो आप जाके देख सकते हो आई बटन पर, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर रिकमेंड भी आपको हो जाएगा। तो अगर आपको जानना है तो आप जा सकते हो, विजिट कर सकते हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और गाइज आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, और हाँ अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर कर देना। और आपको कौन से और वीडियोस ऐसे चाहिए आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो, मैं ज़रूर आपको दूंगा। और बहुत जल्द मैं लाना हूँ मोबाइल फ़ोन्स के कंपैरिजन, तो उसको देखने के लिए भी आप लोग तैयार रहिए।